आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टाइलिश और ये मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर पर आधारित है और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 5.7 है। ये कहानी शुरू होती है एक सैलून से जहां पर क्लेयर नाम की एक लड़की काम करती है और वो बाय प्रोफेशन हेयर स्टाइलिस्ट है जिसे लोगों के बालों के साथ खेलना अच्छा लगता है। किसको कौन सा हेयर कट कराना चाहिए, अपने हेयर में कौन सा कलर लगाना चाहिए, उनके बालों में कौन सा हेयर कट सूट करेगा, वो इन सब चीजों में माहिर है। उस सैलून में यही उसका काम है। वैसे तो उसका काम बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है लेकिन कभी कभी उसकी रात की भी अपॉइंटमेंट होती है। इसी तरह एक दिन उसकी लेट नाइट अपॉइंटमेंट होती है जहां वह एक लड़की को सर्विस दे रही होती है। क्लेयर पहले तो उस लेडी को एक ड्रिंक ऑफर करती है और उससे बातें करते हुए उसको हेयर कलर लगाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर तक सब ठीक चलता है लेकिन कुछ देर बाद वो लेडी वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद क्लेयर एक बहुत ही अजीबोगरीब हरकत करती है और वो उस लेडी के सर को सीजर से काट कर उसके स्कैल्प को उसकी बॉडी से अलग कर देती है और उसकी बॉडी को बहुत ही आराम से ठिकाने लगा देती है। क्लेयर जब उस लेडी की बॉडी को ठिकाने लगा रही होती है तो उसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई भी इमोशंस नजर नहीं आते। ये सब करने के बाद क्लेयर सैलून को बंद करके अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। हम देखते हैं कि उसके घर का बेसमेंट जिसके अंदर कई सारे बिग रखे हुए होते हैं। इसका मतलब क्लेयर ने इससे पहले बहुत सारी लड़कियों को उनके स्कैल्प के लिए मार दिया था। इसके बाद क्लेयर एक साइको की तरह उन बिग्स को अपने सर पर पहनती है और हंसने की कोशिश करती है लेकिन वो हंस नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके आंसुओं को देखकर लगता है वो साइकोलॉजिकली बीमार है और वो ये सारे खून अपनी मर्जी से नहीं करती बल्कि उसकी बीमारी के कारणों से ये खून हो जाते हैं। क्योंकि क्लेयर एक अनसोशल पर्सन है यानी कि उसे ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है जिसकी वजह से उसे लोगों से बात करना तक नहीं आता और बीच बीच में उसके अंदर एक बहुत अजीब सी तलब उठती है जो कि किसी के सर की स्कैल्प लेने से और उसे अपने सर पर पहनने के बाद ही तलब उसकी शांत होती है। आप तलब को बुझाना क्लेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो दूसरे लोगों के बालों को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस है इसलिए वो उनके सर के बालों को खाल सहित निकाल लेती है। वैसे भी इन सब के सिवा उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना तो उसका कोई दोस्त है, ना उसका कोई परिवार है, ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है। ज्यादातर खून वो रात में ही करती है और क्लेयर उन लड़कियों का खून करती है जिनके हेयर स्टाइल उसे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए वो ज्यादातर बुकिंग्स रात में ही लेती है क्योंकि तब उसे इस स्कैल्प को निकालने का मौका ज्यादा मिलता है। एक दिन जब क्लेयर अपने सैलून की तरफ जा रही होती है तो उसे एक मैसेज मिलता है। जो लड़की मैसेज करती है उसका नाम ओलिविया होता है और वो उसे अपनी शादी के लिए अपना हेयर स्टाइल बनाने के लिए बुक करना चाहती है लेकिन क्लेयर बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ कैजुअल हेयर स्टाइल बनाती है, वो शादियों के लिए हेयर स्टाइल नहीं बनाती। इसके बाद क्लेयर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर वो अक्सर जाती है और वहां का स्टाफ उसे अब बहुत अच्छे से पहचानता भी है। लेकिन उस दिन जब वो उस रेस्टोरेंट में लाइन में लगी होती है तब उसकी नजर उसके जूते पर लगे खून पर पड़ती है। तब उसे लगता है कि सब लोगों की नजर उस पर ही है और सब लोग उसको ही खूनी समझ रहे हैं और वो हड़बड़ाहट में वहां से भाग जाती है। रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की डाउन को क्लेयर का ये बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद ओलिविया क्लेयर को अपनी शादी की हेयर स्टाइल बनवाने के लिए बार बार मैसेज और कॉल किए जा रही थी तो लास्ट में क्लेयर भी कन्विंस हो जाती है और उसकी शादी के लिए उसकी हेयर स्टाइल बनाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन उसकी हेयर स्टाइल बनाने से पहले अपने क्लाइंट को स्टॉक यानी फॉलो करना नहीं भूलती, ये भी उसका एक साइकोलॉजिकल इशू है। ये पहले अपने क्लाइंट को स्टॉक करती है उसके बाद ही उसकी अपॉइंटमेंट लेती है और सेम ऐसा भी क्लेयर ओलिविया के साथ भी करती है, उसे भी वो पूरे दिन फॉलो करती है। अब ओलिविया क्लेयर की सैलून में आ जाती है। ओलिविया का नेचर वास्तव में बहुत ज्यादा स्वीट होता है तो वो अपना अच्छा हेयर स्टाइल बनाने के लिए क्लेयर को थैंक्स बोलती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है तो क्लेयर को हग कर लेती है। क्लेयर ओलिविया को ऐसा करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने ये पहली बार अपनी लाइफ में महसूस किया था कि कोई उसके काम के लिए इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। और ओलिविया जाते जाते क्लेयर को अपने घर पर इनवाइट करके जाती है। ऐसा कुछ क्लेयर के साथ पहली बार हो रहा था लेकिन क्लेयर ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जब क्लेयर ओलिविया के घर जाती है तब भी ओलिविया उसका वैसा ही वेलकम करती है, उसे हग करती है, उसके साथ फोटो क्लिक करा रही होती है तो वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए काफी सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं। जब क्लेयर ओलिविया से बात करती है तब हमें पता चलता है कि क्लेयर का बचपन काफी डिस्टर्बिंग रहा था। उसकी मॉम एक सिंगल मदर थी और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती थी और जब क्लेयर 17 साल की थी तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मर गई थी, जिसके बाद से ही क्लेयर बिल्कुल अकेली है और ना तो अब उसकी कोई फैमिली है और ना ही उसका कोई सोशल सर्किल है। लेकिन साथ ही हमें क्लेयर की माँ के बारे में पता चलता है जो एक हेयर स्टाइलिस्ट थी और बहुत सारे नए नए हेयर स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट करती थी एक अच्छा हेयर लुक देने के लिए। क्लेयर भी अपनी माँ के पद चिन्हों पर चलती थी लेकिन वो कुछ अलग तरीके से ये सब करना चाहती है। हमें यहाँ पर क्लेयर के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चलता कि वो खून क्यों करती है और शायद इसके पीछे अब कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन ये वजह हमें इस मूवी में अंत तक साफ नहीं समझ में आती। क्लेयर जो कि पहले कभी सोशलाइज नहीं हुई थी और अब ओलिविया
ओलिविया से मिलने के बाद वो काफी खुश थी, उससे बातें कर रही थी, उसके साथ काफी कंफर्टेबल भी हो गई थी। लेकिन ओलिविया के बॉयफ्रेंड के आने की वजह से क्लेयर काफी अजीब सा डर महसूस करती है और ओलिविया के घर से निकल आती है और अपनी गाड़ी में बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है और एक ही बात को बार बार दोहरा रही होती है, जिससे हम उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में समझ सकते हैं कि शायद उसे फिर से वही किसी की सर की खाल निकालने की तलब लगती है। वो सब ये नहीं करना चाहती, लेकिन बिना किए उस तलब को वो नहीं मिटा पाएगी। अब क्लेयर का फिर से वही गेम स्टार्ट हो जाता है। अब वो किसी को अपना शिकार बनाने वाली होती है। इसके बाद में उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां पर लेट नाइट ड्यूटी कर रही होती है डाउन। डाउन बस शॉप बंद करने ही वाली होती है कि तभी वहां पर क्लेयर पहुंच जाती है और उसे अपनी वही फेवरेट कॉफी ऑर्डर करती है, जिसका पैसा डाउन उससे नहीं लेती क्योंकि उसका वहां पर रोज आना जाना होता है, जिसकी वजह से डाउन उससे अपना दोस्त समझने लगी थी। इसके बाद क्लेयर डाउन के लिए भी एक कॉफी ऑर्डर करती है और डाउन की कॉफी में वो नशीली दवाई मिला देती है और क्लेयर बाहर आकर वेट करने लगती है। इसके बाद डाउन अंदर से कचरा बाहर कूड़ेदान में फेंकने आती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिस बात का क्लेयर बाहर इंतजार कर रही होती है। तभी क्लेयर पीछे वाले दरवाजे से जाकर डाउन के सर को सीजर से काटने लगती है। शायद बेहोशी की दवाई का ज्यादा असर डाउन को नहीं होता। इसी बीच डाउन को होश आना शुरू हो जाता है और वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है। पकड़े जाने के डर से क्लेयर उसे जान से मार देती है और क्लेयर उसके स्कैल्प को ले लेती है और डाउन की बॉडी को पास के डस्टबिन में ही डंप करके अपने घर पहुंचती है। क्लेयर को ये सब करके उसके मन को शांति तो मिलती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है और साथ ही साथ में ओलिविया के बारे में भी सोच रही होती है, क्योंकि एक तरफ क्लेयर जो कि ना तो सोशलाइजिंग है, ना ही वो किसी से मिलती जुलती है और ना ही अपने दोस्त बनाती है, ना ही वो किसी से ज्यादा बात कर पाती है, और दूसरी उसी की अपोजिट ओलिविया है जो कि बहुत ही ज्यादा सोशलाइजिंग है। वो लोगों से बात करती है, काफी खुश रहती है और उसकी लाइफ में सब लोग उसे काफी इम्पोर्टेंस देते हैं। अब क्लेयर का ओलिविया की तरफ अट्रैक्ट होना तो आम बात है, लेकिन वो साथ ही जेलस भी होती है और खुद भी और ओलिविया की तरह ही एक नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश करती है। और अब वो डिसाइड करती है कि अगर उसे दोस्त बनाना है तो किसी का खून नहीं करेगी और अपने ही बेसमेंट को भी वो लॉक कर देती है। इन सब से बेखबर ओलिविया अपने बैचलर पार्टी में क्लेयर को बुलाती है। क्लेयर ओलिविया की पार्टी में तो पहुंच जाती है, लेकिन ओलिविया के फ्रेंड ना तो उससे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं और ना ही क्लेयर उनसे इंटरेक्ट कर पाती है, क्योंकि वो आदतन ही साय नेचर की है। वो ओलिविया के फ्रेंड से ठीक से बात नहीं कर पाती क्योंकि क्लेयर को लोगों से बात करना आता ही नहीं है और इस वजह से वो अपना कोई भी दोस्त वहां पर नहीं बना पाती। शराब के नशे में ओलिविया अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अजीब सी बातें करने लगती है, जिसका क्लेयर बहुत ही अलग मतलब निकाल लेती है। क्लेयर ओलिविया का साथ पाने के लिए वो उसके साथ सुबह सुबह जॉगिंग पर जाने के लिए भी रेडी हो जाती है, जबकि क्लेयर बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं है। ओलिविया के लिए क्लेयर की इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्लेयर इसी को एक बहुत अच्छी दोस्त समझ रही थी, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि वास्तव में दोस्ती किसे कहते हैं और दोस्ती का क्या मतलब होता है। लेकिन क्लेयर को तो ओलिविया की कही हुई हर बात पसंद आ रही थी। दूसरी तरफ ओलिविया के जो दोस्त हैं, उन्हें क्लेयर की प्रेजेंस उस पार्टी में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसी बीच ओलिविया की एक फ्रेंड तो क्लेयर का मजाक बनाने लगती है, जिसकी वजह से क्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और क्लेयर उस लड़की का उसके घर तक पीछा करती है हाथ में सीजर लेकर। लेकिन वो पहली बार अपने आप को कंट्रोल कर ही लेती है, यानी कि उसे पहली बार कोई होप नजर आ रही होती है अपनी इस बीमारी से निकलने की, और वो किसी का खून नहीं करती क्योंकि अब क्लेयर को सिर्फ और सिर्फ ओलिविया की दोस्ती ही चाहिए थी। ना जाने क्यों नेक्स्ट डे ओलिविया अपनी शादी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, क्योंकि पूरे दिन की भागदौड़, शादी के अरेंजमेंट्स और जितने भी उसने प्रॉमिस किए थे वो सब उसे पूरे करने थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा समय की जरूरत थी और थोड़ा स्पेस भी। लेकिन क्लेयर इस बात को समझ ही नहीं पाती। उसे तो ये लगता है कि ओलिविया अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी बिजी है और एक दिन वो ओलिविया का पूरे दिन पीछा करती है और रात को जब ओलिविया अपने ऑफिस से निकलती है तो क्लेयर उसके सामने पहुंच जाती है और वो ओलिविया से कहती है कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर श्योर भी नहीं हो, फिर उससे शादी क्यों कर रही हो। ओलिविया को क्लेयर का ये कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो नाराज हो जाती है। क्लेयर भी बहुत जल्दी समझ जाती है कि उसने जो भी कहा वो बहुत ही गलत है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं होता कि कुछ गलत बोलने के बाद सिचुएशन को वो किस तरह से हैंडल करे। और साथ ही क्लेयर को डाउन की मिसिंग पोस्टर को देखकर भी बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। इसके बाद क्लेयर ओलिविया के घर के अंदर घुस जाती है। घर में तो कोई नहीं होता, इसका मतलब क्लेयर ने ही ओलिविया के घर की चाबी पहले से ही चुरा ली होती है। क्लेयर ओलिविया के घर में घुसने के बाद और ओलिविया के कपड़े, उसके मेकअप, उसके हर सामान को छूकर और ओलिविया को महसूस करने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही वो ओलिविया की नाइटी पहनकर वो उसी के बेड पर लेटकर रिलैक्स करने की कोशिश करती है। लेकिन उसी रात ओलिविया अपनी बहन के साथ अपने घर पर आ जाती है और क्लेयर को ओलिविया की उसी नाइट में खिड़की से भागना पड़ता है। डर की वजह से क्लेयर को अपना ऑब्सेशन फिर से याद आ जाता है और ऑब्सेशन को खत्म करने के लिए वो फिर से बेसमेंट में जाती है, क्योंकि वह वहीं पर जाकर अपने आप को नॉर्मल फील करा पाती है। इसके बाद बेसमेंट में जाकर वो हर किसी के स्कैल्प उतारकर अपने सर पर लगाकर देखती है और बहुत जोर से रोने लगती है। लेकिन क्लेयर को अभी भी स्कैल्प को पहनकर वो शांति नहीं मिलती है। इसके बाद वो किसी को अपना शिकार फिर से बनाने के लिए सड़क पर निकलती है रात के अंधेरे में। तभी उसे दिखाई देता है कि एक लड़की जो कि
रात में अकेले अपने घर में घुस रही होती है। वो मौका देखकर उसे मार देती है और उसका स्कैल्प निकालकर पहनकर उसी के काउच पर बैठकर जो उस लेडी ने पिज्जा ऑर्डर किया था उस पिज्जा को खाती है। अब क्लेयर बहुत ही ज्यादा पागल और क्रीपी इंसान दिख रही थी। उसे इस हालत में देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी बीमारी के आगे कितनी ज्यादा बेबस है। अगले दिन ओलिविया की शादी होती है। क्लेयर तैयार होकर उसकी शादी के लिए निकलती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे पता चलता है उस अननोन लेडी की लाश पुलिस को मिल चुकी है और साथ में ही बाकी दीवार पर कुछ पोस्टर लगे होते हैं जिसमें किसी को सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर होते हुए दिखाया गया था। क्लेयर इन फोटो में तो होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे रही होती है। ये सब देखकर क्लेयर थोड़ी सी डर जाती है लेकिन वो खुद को संभाल लेती है क्योंकि आज उसकी इकलौती दोस्त की शादी है, इसलिए वो अपने मूड को खराब नहीं करना चाहती। क्लेयर चर्च में पहुंचती है तो ओलिविया उसी का वेट कर रही होती है क्योंकि आज उसकी शादी है और क्लेयर को ही उसका हेयर स्टाइल बनाना था। अब जैसे ही क्लेयर ओलिविया के बाल बनाती है तो उसके बाद ओलिविया क्लेयर को बिल्कुल भूल जाती है और वो अपने दोस्त और अपने बॉयफ्रेंड जो कि अब हस्बैंड बनने वाला है उसके साथ बिजी हो जाती है। शादी की एक्साइटमेंट में ओलिविया को पता ही नहीं चलता कि क्लेयर भी वहां पर है और वो क्लेयर ओलिविया के लिए बिल्कुल अनविजिबल पर्सन बन चुकी होती है। ओलिविया को देखकर क्लेयर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन इस बात को लेकर खुशी भी होती है कि चाहे दो दिन के लिए ही सही लेकिन ओलिविया ने उसे अपना फ्रेंड तो बनाया। और इसके साथ ही क्लेयर को ओलिविया के फ्रेंड की एक बात याद आती है जो उसने बैचलर पार्थ वाले दिन कही थी कि हेयर स्टाइलिस्ट को कौन शादी में इनवाइट करता है। तब उसे लगता है कि शायद ओलिविया भी ऐसा ही सोचती है लेकिन क्लेयर फिर भी अपने आप को शांत रखती है। और इसके बाद शादी के लिए बाहर ब्राइड का वेट किया जा रहा होता है लेकिन क्लेयर को ओलिविया ही तैयार कर रही होती है। तो अब जैसे ही क्लेयर ओलिविया से बात करती हुए उसे बाहर लाने की कोशिश करती है तो भी क्लेयर बहुत जोर से रोने लगती है और क्लेयर का रोना उसके साइको का सबसे बड़ी निशानी है, यानी कि अब क्लेयर अपने आप को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगी। क्लेयर को रोता देख ओलिविया भी अपने बिहेव के लिए उससे माफी मांगती है, कहती है कि मैंने उस दिन तुम पर चिल्लाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी क्लेयर ओलिविया को बताती है कि उसने झूठ बोला था कि वो जॉगिंग करती है और ओलिविया को समझ नहीं आता कि वो इतनी छोटी बात के लिए क्लेयर क्यों रो रही है। लेकिन क्लेयर के लिए तो ये सब बातें बहुत बड़ी थी क्योंकि इसके साथ ये सब पहली बार हो रहा था, किसी ने उसे इतना ज्यादा अच्छा महसूस नहीं कराया था, इसलिए ओलिविया से दूर जाना तो अब क्लेयर के लिए शायद नामुमकिन ही था। इसके बाद बाहर शादी की रस्म होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही ओलिविया वहां पर शादी के लिए पहुंचती है तो सभी लोग ओलिविया को ब्राइड गाउन में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब जैसे ही ओलिविया का होने वाला हस्बैंड ओलिविया के मुंह से उसका पर्दा हटाता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और काफी डर भी जाता है क्योंकि ओलिविया के गाउन में ही और उसके स्कैल्प में कोई और नहीं बल्कि क्लेयर थी, यानी क्लेयर ने ओलिविया को भी मार दिया था और उसका स्कैल्प पहनकर वो शादी में आ गई थी। इसके बाद सब ओलिविया को ढूंढने के लिए वहां से भागने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो हॉल खाली हो जाता है, उसके उसी हाल में अकेला छोड़ देते हैं, यानी कि अब क्लेयर पूरी तरह से पागल हो चुकी है। क्लेयर सब कुछ देख तो रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि ये सब लोग क्यों इतना ज्यादा डरे हुए और परेशान दिख रहे हैं, ऐसा उसने क्या किया है जो उसे शायद नहीं करना चाहिए। क्लेयर को देखकर लगता है कि क्लेयर कभी भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह अब नहीं रह पाएगी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी देखने के लिए धन्यवाद।